अभी हम अजमेर रोड जयपुर नैना मार्बल गोडाउन पे आए हुए हैं और वहीं का वीडियो शूट करेंगे। जो यहाँ के ओनर है उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे, इनके पास कौन कौन सा मार्बल है, कौन कौन से ग्रेनाइट है, कहाँ कहाँ का माल है और कौन सी गुजरात की जो टाइल वगैरह आती है मोरवी की कौन कौन सी है, क्या क्या रेट की, पूरी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो आप अंत तक देखना। ये देखिए ये मंदिर वगैरह बने हुए हैं, ये देखिए ये मोरवी की टाइल है जो रूम वगैरह किचन वगैरह में लगती है। अभी हम जो यहाँ इस के ओनर है मार्बल ग्रेनाइट के, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, आपका जो ये ग्रेनाइट मार्बल और गुजरात की ये जो टाइल वगैरह है ये गोडाउन है? यहाँ गोडाउन है। इसका पूरा तो एड्रेस बोलिए। नैना मार्बल अजमेर रोड टैगोर नगर के सामने। सामने हाँ, 200 फुट बाईपास से पहले। 200 फुट बाईपास से। कब से आप ये? लगभग 22 साल से। 22 साल से। हाँ जी। कौन कौन सा आइटम आप रखते हैं मार्बल में, कौन सा ग्रेनाइट, कहाँ कहाँ का माल आपके पास है? मार्बल में राजनगर का है, मकराना में है, सावर में है और ग्रेनाइट में राजस्थान के सभी कलर अवेलेबल हैं, साउथ के कलर अवेलेबल हैं। और ये जो मोरवी की गुजरात की जो मोरवी की कंपोजिट टाइलें आ रही है बड़ी, ये अवेलेबल है। इनमें कितनी कलर डिजाइन वगैरह आ रही हैं? इनमें वैसे तो क्वांटिटी वैसे तो लगभग 80-90 के आसपास अलग अलग डिजाइनिंग में आ रही हैं। हमारे पास लगभग 20-25 तरह की डिजाइनिंग मिल जाएगी। इसे अजमेर रोड पर लगभग कम से कम 50 से भी ज़्यादा 50 गोडाउन तो हैं। 50 गोडाउन लगभग हैं। कस्टमर जो भवन का निर्माण कर रहे हैं वो कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पर हमें बेस्ट क्वालिटी का माल मिलेगा और रेट कम से कम मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा ग्राहक को जानकारी दीजिए जिससे ग्राहक का कंफ्यूजन दूर हो और जब भी उन्हें इस तरीके के आइटम की खरीदारी करनी हो तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि माल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसमें दिक्कत आ सकती है। मान लो कई बार जैसे बालवा बोलते हैं तो इस तरीके की कई समस्याएं आती हैं, जो भवन निर्माण करते हैं वो बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ हैं, तो इस विषय में थोड़ा सा बताइए आप। उसमें देखिए सीधा सा है, आज के टाइम में बहुत ऑप्शन है, हर 10 कदम पे गोडाउन है मार्बल के गोडाउन। चार जगह कस्टमर जाएगा उसे 25% नॉलेज तो आ ही जाएगी, मेरे पास आएगा थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा, पास वाले गोडाउन पे जाएगा थोड़ा बहुत वो बताएगा, तो ऐसे करके 25% नॉलेज तो आ ही जाएगी। और आजकल हालांकि ये काफ़ी चल रहे हैं कलर किए हुए ग्रेनाइट वगैरह, तो हमारी कोशिश तो ये रहती है कि कस्टमर को बता करके उसे दें कि भाई इस पर ऐसा हल्का सा ही आ सकता है कलर किया हुआ। वैसे ऑर्डनरी वे में बाकी सब नेचुरल आते हैं, ग्रेनाइट और कलर सारे जो अपने मार्बल वगैरह सब नेचुरल आते हैं, ये कंपोजिट में ये जरूर कंपोजिट आते हैं। ये कंपोजिट जो मोरवी गुजरात की आती है ये किस चीज़ से बन के आती है? ये इसे आप एज ए टाइल का बड़ा रूप कह सकते हैं जो अपने फ्लोर में मटेरियल किसी चीज़ से तो बनती है। मटेरियल तो अपने ये ब्यावर से जाता है, कौन सा वो मटेरियल आता है, मतलब ये जो अलग पत्थर आता है या कोई मिट्टी वगैरह आती है? मिट्टी। कहाँ से आती है मिट्टी? ये ब्यावर से जाती है, राजस्थान ब्यावर से ये मिट्टी गुजरात जाती है मोरवी, वहाँ पे वहाँ पर इसको टाइल को बनाया जा रहा है। इसमें कम से कम 500 कलर डिजाइन है, इसकी रेट 35 रुपये से लेके 65 रुपये तक आपको मिलेगी ये मार्बल में। हाँ, इसकी रेट तो लगभग 120 रुपये से स्टार्ट होती है, जो कंपोजिट जो गुजरात वाला है इसकी 120 से लेकर के 240 रुपये तक। और जो 35 से 65 बता रहे वो मार्बल में आएगा, सावर से लेकर के आगरिया वगैरह जो आते हैं वो मार्बल में है। हाँ, और ये देखो ये फर्क पड़ जाता है नॉलेज का। हाँ, और ग्रेनाइट चलता है अपने 50 रुपये 45 रुपये से लेकर के 250-300 रुपये तक, वो है जो अपने राजस्थान वाले कलर हैं
वो लगभग 100-150 से 100-110 के। मार्बल में आपके पास कितनी वैरायटियां होंगी? मार्बल में मकराना में भी है, राजनगर में भी है, सावर में भी है, काफ़ी वैरायटी है। और इटाली ये आपका ग्रेनाइट में? ग्रेनाइट में राजस्थान के सभी कलर हैं, साउथ के भी 5-7 कलर हैं, ब्लैक वगैरह। वैसे बेस्ट क्वालिटी साउथ की आती होगी ग्रेनाइट? ग्रेनाइट टॉप क्वालिटी साउथ। साउथ राजस्थान की क्वालिटी कैसी है? राजस्थान की क्वालिटी ये है कि ठीक है, अपने यहाँ पे निकल रहा है, काम चल रहा है, बढ़िया है। नहीं, बाकी जो वो एक्चुअल ग्रेनाइट है, हाँ, वो साउथ राजस्थान वाला। तो ये है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जिनकी नहीं कैपेसिटी कम पैसे में खरीदने की है, उन लोगों के पर्पज का है। मार्बल से ज्यादा ग्रेनाइट ही चलने लग गया फ्लोरिंग। अच्छा, मार्बल से ज्यादा ग्रेनाइट चलने लगा। हाँ। अब आपके पास कौन कौन सा मार्बल है, कौन कौन सा थोड़ा दिखाइए जिससे ग्राहक को नॉलेज हो। ये उदयपुर पिंक मार्बल है। मार्बल इसकी प्राइस क्या पड़ेगी ग्राहक की? ये 55 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा। हाँ। ये जैसे वाइट में है, ये वाइट में है, ये कहाँ का है? ये राजनगर का। राजनगर का इसकी प्राइस क्या पड़ेगी? इसकी 60 रुपये। 60 रुपये पड़ेगी। ये अगरिया में ये कहाँ का माल है? ये अगरिया राजनगर। ये राजस्थान का? हाँ, वो राजनगर का। इसकी प्राइस क्या पड़ेगी? ये 65 रुपये। 65 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगी। हाँ। ये सावर का है। ये सावर का है। ये 35 रुपये। ये 35 रुपये स्क्वायर फीट है। ये किस काम में आएगा? फ्लोरिंग में काम आएगा। सब फ्लोरिंग पर्पज ही है। ये वाला ये भी अगरिया में है। ये भी अगरिया में है। ये मकराना में है। ये मकराना का मार्बल है। मकराना कुमारी कहलाता है। कौन सा? मकराना कुमारी के नाम से जाना जाता है। 55 रुपये स्क्वायर फीट है। ये पीछे सब मकराना कुमारी, ये सब मकराना कुमारी का माल है। ये सभी मार्बल का आइटम है मकराना का। ये देखिए इधर, ये ग्रेनाइट है। ये क्या रेट? ये चिल्वा पिंक 60 रुपये। ये टाइगर क्या रेट पड़ेगा? 65 रुपये। टाइगर में दो शेड हैं। टाइगर में दूसरा शेड है, ये क्या रेट है? 65 रुपये। 65 रुपये। ये कॉटन वाइट है, इसकी क्या रेट पड़ेगी? 60 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगी। चलिए, ये देखिए, ये 60 रुपये रोजी पिंक है। रोजी पिंक है, 60 रुपये साउथ का माल है। चीमा हम अलमारी के हिसाब से देते हैं, ये डबल पॉलिश में आता है, थिकनेस भी ज़्यादा आती है। ये डबल पॉलिश में है, कहाँ का है? ये जालौर का ही है। ये जालौर राजस्थान का है। अलमारी वगैरह की, अलमारी वगैरह के लिए क्या स्क्वायर फीट पड़ेगा? ये 85 रुपीज़। हाँ। ये ब्लैक में राजस्थान ब्लैक है, ये क्या रेट पड़ेगा? ये 70 रुपीज़। ये 70 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा। हाँ। ये भी राजस्थान ब्लैक में है। ये भी राजस्थान ब्लैक में है। क्या रेट है? 60 रुपीज़। 60 रुपये स्क्वायर फीट। ये राजस्थान ब्लैक की सबसे सुपर क्वालिटी है। 110 रुपये स्क्वायर फीट। ये क्या चीज़ है? फर्श में बॉर्डर वगैरह लगाते हैं मार्बल में। ये मार्बल में फर्श में जो बॉर्डर वगैरह लगाते हैं उसके लिए ग्रेनाइट की। ये किस हिसाब से पड़ते हैं? इसमें एक इंची डेढ़ इंची दो इंची तीन इंची चार इंची। इसकी प्राइस वगैरह 11 रुपये से स्टार्ट है। 11 रुपये स्क्वायर फीट से। 11 रुपये रनिंग फिट। और ये वाला, ये लेदर पॉलिश में आता है। ये लेदर पॉलिश में है। जीने वगैरह में लगाते हैं। इसकी रेट खत्म नहीं हो। 75 रुपये। ये 75 रुपये स्क्वायर फीट है। ये जेड ब्लैक है, ये कहाँ का? साउथ का। इसकी प्राइस 225 रुपये स्क्वायर फीट है।
ये एस वाइट है, ये एस वाइट है, इसकी रेट 100 रुपये। 100 रुपये ये वाला? ये राजस्थान ब्लैक में है। ये राजस्थान ब्लैक है। ये डेजर्ट ग्रीन, ये डेजर्ट ग्रीन, डेजर्ट ग्रीन हाँ। ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। गुजरात का ये क्या रेट पड़ेगा? ये 85 रुपये। 85 रुपये इसके। मैडम पल्ली है साउथ का। ये मैडम, मैडम पल्ली, मैडम पल्ली है साउथ का। 130 रुपये स्क्वायर फीट। ये वाला क्या आइटम है? ये टाइगर में ही आता है। ये टाइगर में आता है, मल्टी कलर कहलाता है। मल्टी कलर में इसकी क्या रेट है? ये 85 है। 85। और ये? ये ब्लैक, राजस्थान ब्लैक, ब्लैक राजस्थान ब्लैक है। इसकी रेट क्या है? 70 रुपीज़। चलिए अब आपका एड्रेस लेते हैं ऑफिस का। ये देखिए, ये इनका फर्म का नाम है, ये इनके मोबाइल नंबर है। थोड़ा एड्रेस एक बार फिर बोल दीजिए आप। नैना मार्बल, अजमेर रोड, 200 फुट बाईपास से पहले, टैगोर नगर के सामने। आप वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं कि इनकी वैरायटी वगैरह आपको कैसी लगी। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, घंटी को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो भी नया वीडियो हम डालें वो आपको देखने को सबसे पहले मिले।